नाउ स्टूडेंट्स साइंस सैंपल पेपर में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, कमेंट सेक्शन में जो पीडीएफ दिया हुआ वहां से देखिए। और साइंस का अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, या मैथ्स जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है 2020-21 सबके सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में मैंने पेंड कर दिए, साथ में पूरा सिलेबस भी है, तो पेंड कमेंट चेक करिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या किया जाएगा, ध्यान से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बच्चों एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। उस पैराग्राफ में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पैराग्राफ से रिलेटेड, और आपको उस मतलब आपको पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में, पांच में से आपको फोर अटेम्प्ट करने, मैं यहाँ पे आपको पांचों करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चंस फ्रॉम 18-1 to 18-5। ओके, तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बातें आपसे यहाँ पे करी जा रही है। कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन बनता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो बच्चों देखिए हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, तो जवाब है अगर कोई एटम है जैसे कि देखिए सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2.8.1। तो आपको पता है कि सोडियम वन इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल देता है बाहर से क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा Na प्लस बन जाएगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर जो सोडियम है वो आपका क्या कहलाएगा, भैया इसकी इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर इलेक्ट्रो पॉजिटिव विटी शो करेगा, मतलब ये कैटायन बन जाएगा यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी बच्चों, याद करिए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता था तो हम उसको केमिस्ट्री में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक के अंडर में रखते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, या उसको नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक में रखते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन है बच्चे उनको दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, अब देखो बच्चों कह रहा है कि जब तुम डाउन द ग्रुप चलते हो, ठीक है, किसी ग्रुप में जब तुम नीचे जाते हो तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। ये बात भी हमें पता है, जैसे कि बच्चों आप लोग आ जाइए जरा ग्रुप नंबर वन में, ठीक है। तो ग्रुप नंबर वन में अगर आप आओगे तो क्या आता है ग्रुप नंबर वन में, देखिए ग्रुप नंबर वन में हाइड्रोजन है ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। तो आपने देखा जब आप हाइड्रोजन को आप छोड़ दो भी, ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ध्यान से चेक करिए साइज क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, सभी को पता है साइज ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स अगर एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम कंपटीशन करवाएं सोडियम और पोटेशियम में तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये सोडियम हो गया और ये हो गया पोटेशियम, तो सोडियम का साइज अगर इतना है तो पोटेशियम का साइज इससे बड़ा होगा, ठीक। और हमको पता है कि जिस भी एटम का साइज बड़ा होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्यों लूज कर देता है ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण, ठीक है। यहां पे भी पोटेशियम पे भी के भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स के कारण, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब सोचो ना जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा यहां पर रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल किसका ज्यादा होगा, तो जवाब है जिसका साइज छोटा होगा। यहां पे देखिए अगर साइज छोटा है तो पॉजिटिव वाला जो न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करके बांधे हुए रखा है, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डिस्टेंस पे ही, तो ये पॉजिटिव चार्ज का कंट्रोल इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से निकल सकता है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम में कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा, तो जवाब है पोटेशियम इजीली लूज करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया करेगा, ठीक है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो अच्छा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट कौन होगा, तो जवाब है टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है, का मतलब है जिसका साइज बड़ा होगा ना वो फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और केमिस्ट्री में जो फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उसको हम बोलते हैं भैया ये ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं बच्चों कहां पर आपका बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड भी इन्होंने बोला है, अक्रॉस द पीरियड जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, ध्यान से चेक करो हमने पढ़ा हुआ है जब तुम लेफ्ट राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बच्चों एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ये देखिए ये लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो एटॉमिक साइज आपका क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो आपका सुन लीजिए मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो कि ये वाला जो एलिमेंट यहां कहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आप अगर पीरियड नंबर 2 में आ जाओ, ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 में
आपका देखिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, यहाँ पे लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। फिर आपका क्या होता है, लिथियम के बाद एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है आपका, बेरिलियम का, ठीक है। उसके बाद आपका होता है लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, और उसके बाद बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फिर आता है आपका कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो आप ध्यान से चेक करिए, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइज आपका क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो इधर जो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, ओके। अब जैसे कि देखिए हम आपको दिखाते हैं लिथियम के नीचे क्या आता है, यहाँ पर लिथियम के नीचे सोडियम, तो यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और यहाँ कहीं आएगा आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ कहीं आएगा क्या, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। और उसके बाद इस तरीके से नेक्स्ट आएगा आपका 13 के बाद 14, यानी कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होगा आपका 14, इस तरीके से 15 होगा। फास्फोरस का भी यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो ध्यान चेक करिए, यहाँ आपके पास आएगा फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। फिर आएगा आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16। फिर आएगा आपके पास क्या, आपके पास आएगा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। तो लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे, ठीक है, तो साइज डिक्रीज करता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि उनका साइज कैसा है, छोटा है। तो जब साइज छोटा है तो सोचो कि जो न्यूक्लियस है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पे अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को फटाफट खींच लेगा, और यहाँ वाले जो लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे किसी भी पीरियड में, जो लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बड़ा अगर साइज है तो ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट जो होंगे किसी भी पीरियड में वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही बात इन्होंने करी हुई है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो तो लेफ्ट से राइट जाने पर आपका साइज डिक्रीज करेगा, और साइज जब डिक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, ये लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा तो आपकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स मेटल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे अच्छे से, और हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक तब आती है जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, लूज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि साइज क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करेगी। अब देखिए यही बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए कह रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करने का मतलब समझो जरा, देखो बच्चों कहीं ना कहीं लेफ्ट में अगर आपका सोडियम आता है तो राइट में कहीं ना कहीं आपका क्लोरीन आता है, ठीक है। सोडियम का किसी भी पीरियड में अगर चलो, ये पीरियड नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, तो पीरियड नंबर 3 में लेफ्ट में सोडियम आता है, राइट में आपका क्लोरीन आता है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.1 है और क्लोरीन का है 2.8.7। तो चेक करो ना, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहीं से, ठीक है ना। तो क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव थोड़ी ना होगा, वो लूज थोड़ी ना कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। यही चीज लिखा है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस, कारण क्या है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये क्लोरीन का साइज इतना छोटा और सोडियम इतना बड़ा, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका साइज क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब इसी का जस्ट रिवर्स आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि कोई एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं कि भैया वो क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन को देखिए, तो क्लोरीन है आपका एटॉमिक नंबर्स का कितना है 17, तो 2.8.7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बाहर से आने वाले एक इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करके रिसीव कर लेगा, उसको गेन कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 7 की जगह इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये क्लोराइड आयन ऐसे बना देगा और इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी। यही चीज यहां लिखा है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ध्यान से पढ़िए, कह रहा है द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो क्या करेगा, उसके पास हायर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंड टू फॉर्म एन आयन, और वो एन आयन बना देगा, ठीक है। कह रहा है डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब ध्यान से चेक करिए, जब आप नीचे जाओगे, टॉप टू बॉटम चलोगे बच्चों,
ध्यान से चेक करिए, टॉप टू बॉटम चलोगे, जैसे कि मान लो हम ग्रुप नंबर 17 में आ जाते हैं, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपको पता है साइज क्या करता है, बढ़ता है, तो ये देखिए साइज आपका इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम अगर साइज इंक्रीज करेगा तो ध्यान से चेक करो इनमें से सबसे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो जवाब है जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन करेगा, तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस ग्रुप, ओके, और आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से गेन नहीं कर पाएगा, बात समझ आई कि नहीं आई, तो यही बात आपको यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से चेक करिए, डाउन द ग्रुप यानी कि जब तुम टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड अक्रॉस द पीरियड, मतलब जब तुम लेफ्ट टू राइट चलते हो, जैसे कि मान लो ये देखो सोडियम से ये पीरियड नंबर 3 में तुम सोडियम से कहां जा रहे हो, पीरियड नंबर 3 में तुम सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहे हो, तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ध्यान से करो साइज क्या करेगा, डिक्रीज, तो सोडियम का साइज बड़ा होगा रादर देन क्लोरीन, और क्लोरीन का होगा छोटा, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो सोचो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो जवाब है जिसका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले फटाफट, तो जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये क्लोरीन फटाफट इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन कर लेगा, ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, यही बात यहां पर लिखी है, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, यहां पर एटॉमिक साइज लिखा है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ओके, तो ये पैराग्राफ आपको पता चल गया बच्चों, जो ऑनलाइन बच्चे हैं आवाज आ रही है, हाँ, तो अब एक बात बताइए बच्चों, यहां पर हम समराइज कर लेते हैं फटाफट, अपनी कॉपी में सब बच्चे नोट करेंगे, टॉप टू बॉटम बोलो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा ये देखिए ऐसे, ठीक, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन फटाफट लूज कर देंगे, क्यों लूज कर देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाले लूज कर देंगे तो ऊपर से नीचे पर साइज इंक्रीज करेगा, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रो क्योंकि फटाफट कैटायन बन जाएंगे पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फटाफट निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ध्यान से चेक करो बच्चों, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो साइज अगर आपका डिक्रीज करेगा तो यहाँ वाले जो एटम होंगे राइट में जो आ रहे होंगे किसी भी पीरियड में, ये इलेक्ट्रॉन फटाफट गेन करेंगे, गेन करने का मतलब है क्या कि उसकी इलेक्ट्रोनिटी कैसी होगी, हाई होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनिटी कैसी होगी, हाई होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज तो डिक्रीज करता है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग आप और कर सकते हो कि अगर हम आपको बोलें कि टॉप टू बॉटम जाने पर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो इंक्रीज करती है, तो इसी का उल्टा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि टॉप टू बॉटम जाओगे तो जो जिसका साइज बड़ा होगा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज छोटा होगा और एलिमेंट्स जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं निकालेंगे क्योंकि साइज उनका छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं निकाल रहे तो कैटायन इजिली नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके नहीं होंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। तो ये समरी होगी आपकी इस पैराग्राफ की, तो पहले पैराग्राफ समझ में आना चाहिए तब कुछ बात आपकी यहाँ पे बनेगी। अब आइए फटाफट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वैसे तो क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ बच्चों से हो भी हो गया होगा क्वेश्चन। अब ये देखिए ये ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राफ कैमरे में दिख रहा है क्लियरली, हाँ ये ग्राफ दिख रहा है कैमरे में, हाँ, तो इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। आइए हम इसको ग्राफ को आपको यहाँ पे पढ़ाना सिखाते हैं कैसे इस ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, और इस ग्राफ को ही देख के हमें आंसर यहाँ पर करना है, ठीक है, चलो ये देखिए इस ग्राफ में खास बात क्या है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आपको ये देखिए एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, करेक्ट, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग है और वाई एक्सिस पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग, करेक्ट। अब जरा पढ़ना शुरू करिए, आइए फटाफट पहले ये वाले ग्राफ को पढ़ते हैं, यहाँ क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, करेक्ट,
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बच्चों कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ये हैं आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, हैलोजन फैमिली के, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है, यानी क्लोरीन का साइज इतना, सॉरी फ्लोरीन का इतना, तो क्लोरीन का उससे बड़ा, तो ब्रोमीन का उससे बड़ा, और आयोडीन का सबसे बड़ा। अब यही ट्रेंड यहाँ पे भी है, ध्यान से करो, लेफ्ट राइट जाने तो साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब जिसको नहीं पढ़ना आता है ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन से अगर हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो भी नंबर आएगा एक्स एक्सिस पे, हमें नहीं पता क्या नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो नंबर क्या होगा, 9, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, और फ्लोरीन वाले पॉइंट्स अगर एक परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये ऑरिजिन है आपका 0.0, ठीक है, तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये एटॉमिक रेडियस है किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। सपोज ये एक्स है, कितना है ये एक्स है, करेक्ट, और यहाँ से क्लोरीन से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम एक्स एक्सिस पे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा जो कि होगा 17, और क्लोरीन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर हम वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो यहाँ ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की जो भी लेंथ है वो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, लेट अस से वाई है, कितना है ये ऑरिजिन से लेके यहाँ तक वाई है, ठीक। इसी तरीके से ब्रोमीन से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप एक्स एक्सिस पे, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको 20 तक याद कराया गया क्लास 10 में। और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम वाई एक्सिस पे, तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो सपोज जेड है, ठीक है, तो ये आपकी किसकी एटॉमिक रेडियस है, जेड है आपकी ब्रोमीन की एटॉमिक रेडियस। इसी तरीके से आयोडीन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, और वाई एक्सिस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है, लेट अस से ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी है एल है, ठीक है, तो आपको ब्रोमीन का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि वाई पे एटॉमिक रेडियस चल रहा है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आयोडीन का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है, फिर किसका है, ब्रोमीन का, फिर उससे छोटा आपका किसका है, क्लोरीन का, और फिर सबसे छोटा किसका है, फ्लोरीन का। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बोला कि भाई एल इज ग्रेटर देन, एल किससे बड़ा है, जेड से, और जेड किससे बड़ा है, वाई से, और वाई किससे बड़ा है आपका, एक्स से। ये आप क्लियरली देख सकते हो, एल किसका एटॉमिक रेडियस था, सबसे लास्ट में कौन आ रहा था, ध्यान चक्रो, सबसे लास्ट में कौन आया था, आयोडीन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि एल किसका है, आयोडीन का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा, जेड किसका था, ध्यान से चेक करो, जेड किसका था, ये देखिए ब्रोमीन से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो हमको ये लेंथ पूरी कितनी मिली थी, जेड, ये वाली, ये, ठीक, तो जेड किसका है, ब्रोमीन का। इसी तरीके से वाई किसका है, वाई है आपका क्लोरीन का, और एक्स किसका है आपका, एक्स है आपका फ्लोरीन का। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पता चल गया किस तरीके से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड यहाँ पर है, ठीक है। इसी बात को हम बोलते हैं ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, यानी कि आयोडीन का सबसे बड़ा, ब्रोमीन का उससे छोटा, फिर क्लोरीन का उससे छोटा, यानी कि नीचे से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज करेगा, ऊपर से जाओगे नीचे तो इंक्रीज करेगा, एक तो ये हो गया। अब ठीक इसी तरीके से आपको ग्राफ पढ़ना है, किसका आपको पढ़ना है, जैसे आपने हैलोजन का ग्राफ पढ़ा ना यहाँ पे, ठीक है, और हैलोजन सभी नॉन मेटल होते हैं ये आपको पता है, ठीक है ना, तो ये नॉन मेटल का ग्राफ इन्होंने दिया हुआ था ये, और ये देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एल्कली मेटल्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है ग्रुप नंबर 1 का, करेक्ट। तो यहाँ देखिए जरा, ये ग्रुप नंबर 1 है आपका, क्या है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम। इसी तरीके से आप इसको भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा रेडियस किसका आएगा, लिथियम का आएगा, क्योंकि लिथियम से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो यहाँ आ रहा है एक्सिस पे, और सोडियम से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, चक्रो ऑरिजिन से ज़्यादा डिस्टेंस पे, पोटेशियम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे तो और ज़्यादा आ रहा है, और अगर रूबीडियम से यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पे तो यहाँ ऑरिजिन से चेक करो यहाँ से, और 0.0 से यहाँ से और ज़्यादा आ रहा है ये, और अगर सीजियम से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो और ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लियरली देख रहे हो कि सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा, सीजियम का। तो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबीडियम, और फिर हो गया आपका सीजियम, करेक्ट। तो ये ग्राफ आपने यहाँ से पढ़ लिया क्लियरली, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ, मान लो किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हो, ठीक है, वैसे तो अब इसमें कुछ है नहीं, अब इजीली हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग इसका क्वेश्चन लेते हैं, करेक्ट। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल्स प्लॉटेड इन द ग्राफ। अब ध्यान से चेक करिए क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स में क्या क्या था याद करो ग्राफ में, एल्कली मेटल्स में था आपका ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, यानी कि लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। आप नीचे पीडीएफ है वहां से आप ग्राफ दोबारा देख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम था, फिर सीजियम था आपका, और फिर था आपके पास फ्रेंशियम, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक उसने पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक में हमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा वो लिखना है, फिर उससे कम मेटेलिक, फिर उससे कम मेटेलिक, फिर उससे कम मेटेलिक, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक, सुनो हमें पता है क्या कि अगर एटॉमिक रेडियस
इंक्रीज करेगा, ठीक। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान चेक करो, ये देखो, ये एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल दे और कैटायन बन जाए, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर देखो ऐसे करके अगर टॉप टू बॉटम अगर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज कर रहा है, करेगा क्योंकि साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। अगर ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज कर रहा है तो नीचे से ऊपर चले जाइए आप, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसी का जस्ट ऑपोजिट। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज, भाई नीचे से ऊपर जाओगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज, और साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन ना निकलने का मतलब है कि उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो गई। भैया मेटल क्या होते हैं केमिस्ट्री में, मेटल वही होते हैं जो इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, वो मेटल होते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, तो वो मेटालिक कहां रहे, वो तो उनकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज कर रही है। तो लेफ्ट टू राइट, सॉरी नीचे से ऊपर, यानी कि बॉटम टू टॉप मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करेगी। तो बॉटम टू टॉप लिखना शुरू कर दो, यानी कि सबसे पहले आएगा फ्रेंशियम, ठीक है, फ्रेंशियम सबसे ज्यादा मेटालिक है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मेटालिक है ये देखिए, फिर उससे छोटा मेटालिक कौन है, उससे कम मेटालिक है आपका सीजियम, फिर उससे कम मेटालिक है आपका रूबीडियम, फिर उससे कम मेटालिक है आपका पोटेशियम, फिर उससे कम मेटालिक है आपका सोडियम, और सबसे कम मेटालिक है आपका लिथियम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेटालिक है उसको सबसे पहले लिखना है, और सबसे लीस्ट जो सबसे कम मेटालिक है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो ये एक आपका यहाँ पे पैटर्न आ गया। तो ध्यान से चेक करिए फ्रेंशियम ये कैसा, ऐसा आपको ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए। ओके, फ्रेंशियम हमारे ग्राफ में नहीं दिया हुआ था, तो फ्रेंशियम हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फ्रेंशियम भी मैंने बेवजह ले लिया, ओनली सीजियम तक ग्राफ में बनाया गया था ना, तो सीजियम आएगा सबसे ज्यादा मेटालिक, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। तो ये वाला आपको कहीं पे मिल रहा है ऑप्शन में, ध्यान से चेक करिए, सीजियम, सीजियम के बाद रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट सेकेंड देखिए आप, 18th का कह रहा है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों जरा समझिए, कह रहे हैं कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया, अलॉन्ग मतलब साथ में, किसके साथ में, एल्कली मेटल्स के साथ में। तो याद करिए ग्रुप नंबर वन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता था, है और ली, ओके, है ली ना कर रब से फरियाद। अब फ्रेंशियम की बात यहाँ नहीं करी गई तो उसको हम काट देते हैं, ग्राफ में फ्रेंशियम की बात नहीं करी, एफआर को हम काट देते हैं, एफआर मतलब फ्रेंशियम। तो बच्चों देखिए टॉप टू बॉटम यहाँ पे अगर आप देखो ग्रुप नंबर वन में, तो टॉप पे आपको क्या रखा गया है, हाइड्रोजन रखा गया है। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया, ग्रुप नंबर वन को ही हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर वन में हाइड्रोजन को रखा गया, हाँ भाई ठीक है, हमें भी पता है रखा गया। कह रहा है कि ऑल्दो इट शोज नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, जबकि हाइड्रोजन क्या शो करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे शो करता है वो हम आपको पहले आइए बता देते हैं। हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन दो काम कर सकता है, ध्यान से चेक करिए, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। या तो देखिए हाइड्रोजन क्या करे, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो पता है आपको क्या बनाता है, वो हाइड्राइड आयन बनाता है। सुन लो, अगर कोई एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और एच माइनस आयन जो बन जाएगा ये एक एनायन है, नेगेटिव आयन है, एनायन मतलब अनेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। और इस टाइम इसको हाइड्राइड आयन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइड्राइड आयन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से कर लीजिए, ये हाइड्राइड, DRID, हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब ये हाइड्राइड आयन बनाएगा क्यों, सुन लो, इसलिए बनाएगा भैया क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, वन इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये वन इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले ले तो यहाँ पे इसके के शेल में टू इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता है हर एक एटम या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है और या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जैसे कि हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, और हीलियम स्टेबल एटम है क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन चाहता है कि भैया मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले लूं और क्या कर दूं, अपना ड्यूप्लेट मैं क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना, हीलियम की तरह। तो ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसकी हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की। अब आप देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन इस टाइम, तो इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो भैया ये तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है ना,
क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था ना, तो 1 का ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो आउटर मोस्ट में 1, इसलिए हम बोल रहे हैं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन को आप देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो क्लोरीन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्लोराइड आयन बना देगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड बना रहा है वैसे क्लोरीन क्या बना देगा, क्लोराइड आयन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन भी नॉबल गैस ऑर्गन जैसा बिहेव करने लगेगा, बिकॉज ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2.8.8। तो इस तरीके से तो क्लोरीन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, आपको पता है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में आता है क्लोरीन, आपको पता है राइट हैंड साइड में तो क्या आता है, नॉन मेटल। तो क्लोरीन जैसे कि नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन भी गेन करके हाइड्राइड आयन बना सकता है। तो इसीलिए इन लोगों ने बोला कि भैया हाइड्रोजन जो होता है वो क्या शो करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसके बावजूद भी हाइड्रोजन को आपने कहाँ रखा हुआ है, मेटल्स के साथ रखा हुआ है ग्रुप नंबर 1 में। तो इसका रीजन हमको यहाँ पर बताना है कि भैया हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने के बावजूद भी इसको आपने मेटल्स ग्रुप नंबर 1 में, मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में क्यों रखा है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या इसके रीजन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए, कह रहा है ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड रीडली लूजेज 1 एंड रीडली लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। बच्चों एक बात बताइए, देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो इनकी मुझे सही लगी यहाँ तक कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कह रहे हैं एंड रीडली, रीडली मीन्स आसानी से, ओके, एंड रीडली लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर ही सकता है, सुन लो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों लूज भी कर सकता है, क्लास में हमने आपको बताया हुआ है। तो हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है तो सोचो क्या बनेगा, अभी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थे और ये भी निकल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो ये तो क्या बना देगा, भैया जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी एटम में से उतना ही उस पर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये तो कैटायन बना दिया। इसने नेगेटिव आयन कहाँ बनाया, इसने तो पॉजिटिव आयन बना दिया, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना दिया। ध्यान से चेक करो, इन्होंने आपको क्या दिया है, एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड रीडली लूजेज इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो बात इनकी ठीक थी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है टू फॉर्म नेगेटिव आयन, कह रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके नेगेटिव आयन बना देगा, जी नहीं, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो ये जो आगे इन्होंने बात कर दी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ये बात इन्होंने गलत कर दी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है ना हाइड्रोजन तो नेगेटिव आयन बनाता है, और यहाँ गेन वाली बात ही नहीं करी इन्होंने, तो कहा कि भैया वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है ना। तो ये तो चला गया आपका। अब ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है एज हाइड्रोजन कैन ईजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ आइए जरा देखते हैं इनकी बात क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया तो क्या बनेगा, एच प्लस आयन बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एज हाइड्रोजन कैन ईजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स, ये एल्कली मेटल्स की तरह क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, हाँ सही बात है, और टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, हाँ चेक करो ये पॉजिटिव आयन बना देता है, कैसे आइए दिखाते हैं। एल्कली मेटल एक दो हम आपके लेते हैं, जैसे कि लिथियम, अब लिथियम याद करिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2.1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1, तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ध्यान से चेक करो क्या बना देगा, Li प्लस बना देगा, ये आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और सोडियम को देखिए, ये भी एल्कली मेटल है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1 होता है, तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है और क्या बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम आयन बना देगा। तो जिस तरीके से एल्कली मेटल्स कैटायन बना रहे हैं Li प्लस Na प्लस, इसी तरीके से पोटेशियम क्या बनाता है K प्लस, तो ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या बनाता है H प्लस। तो ऑप्शन बी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन सी, कह रहा है एज हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लाइक हैलोजन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब सुनो एक बात बताओ कि ये बात तो इनकी सही है थर्ड वाली कि एज हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लाइक हैलोजन्स, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हैलोजन जैसा बिहेव करता है, जैसे कि हाइड्राइड आयन बना लेगा, अभी आपको बताया था क्लोरीन भी क्या बना लेता है क्लोराइड आयन, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इस हिसाब से तो हाइड्रोजन को ये कनेक्ट कर रहे हैं किससे, हैलोजन वाली फैमिली से, यानी कि ग्रुप नंबर 17 से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन कौन से ग्रुप के रिस्पेक्ट में पूछा है, ग्रुप नंबर 1 के रिस्पेक्ट में इसको पूछा है क्वेश्चन आपको, ठीक है। कह रहा है कि एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखते हैं ये बताओ, सुन नहीं, एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखते हैं ये बताओ। तो ग्रुप नंबर 1 से रिलेटेड जो हमारा आंसर होगा हम उस पर टिक करेंगे, तो हम बी पे टिक करेंगे क्योंकि बी में आपको हाइड्रोजन का क्या बनवाया जा रहा है, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनवाया जा रहा है और इसको कनेक्ट किया जा रहा है किससे, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल से, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। बात तो इनकी सही है ये सी वाली भी कि हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लाइक हैलोजन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये जो सी पार्ट बोला है ना, ये इस बात को सपोर्ट कर रहा है, किस बात को, कि हाइड्रोजन क्या शो करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन आंसर आपको क्या देना था कि भैया हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा गया है, तो ऑप्शन बी इसलिए हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अब ऑप्शन डी देखते हैं, एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स,
कह रहा है हाइड्रोजन किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल्स की। जी नहीं, मतलब करता तो है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, लेकिन ये बात इस बात का सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर आपने उसको ग्रुप नंबर वन में रखा है हाइड्रोजन को, तो ग्रुप नंबर वन में जो एलिमेंट्स हैं वो तो मेटल्स हैं, तो जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक होती होगी वही वाली से इसको हमें कनेक्ट करना है हाइड्रोजन को। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो हाइड्रोजन भी जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहा है, तो हम उस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन मेटल वाले पे भी हम टिक नहीं करेंगे और सी पे भी नहीं करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए एक बात बताऊं, क्लास में भी आपको पढ़ाया है कि पॉली की स्केल पे, जब हमने आपको पढ़ाया था क्लास में पॉलिंग स्केल पे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हमने देखा था वो किसका देखा था, फ्लोरीन का। कितना होता है पॉलिंग की स्केल पे, 3.98 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए पे हम लोग यहाँ टिक लगा देंगे। बट फिर भी अगर आपको यहाँ ग्राफ से करना है तो एक बात बताऊं, उन्होंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटेलिक। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती, तो आप यहीं पे टिक लगा दो। फिर भी हम आपको बता दें, ये हैलोजन फैमिली के मेंबर दिए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें से सबसे छोटा साइज किसका है बताइए, सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है ना, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, ऐसे आप समझ लो। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए पे आप टिक कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। ओके, देखते हैं हैलोजेंस की बात कर रहा है, तो हैलोजन फैमिली आपकी कौन सी होती है, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो बना लेते हैं ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में आपके पास क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इतना ही ले लेते हैं। एस्टेटाइन भी होता, उसको हम नहीं लेंगे बिकॉज हमारे ग्राफ में नहीं दिया हुआ है। तो ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो फ्लोरीन साइज छोटा, फिर क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द रीजन फॉर ग्रेजुअल इंक्रीज फॉर ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस। एक बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। तो जवाब है ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। सुन लो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या कर रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि साइज इंक्रीज कर रहा है। तो सोचो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट ना। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज करेगी, बट आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है, तो अब देखते हैं आइए रीजन क्या है कि टॉप टू बॉटम जाने पर हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रोनिटी में चेंजेस क्यों आते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो वैसे गलत कर दिया इन्होंने, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज कहाँ करती है, तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ भाई यहाँ तक तो बात सही करी कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिटी डिक्रीज करती है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सुन लो, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज नहीं करती है, इंक्रीज करती है। सुन लो भैया एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जब जाओगे ठीक है तो क्या होगा, साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इन्होंने क्या बोल दिया, डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये तो बात गलत कर दी, ठीक है ना। देखो इसी बात को अगर आप रिवर्स वे में सोचोगे, मतलब इन्होंने क्या बोला है, डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज की जगह अगर आप काट के इंक्रीज कर दो ठीक, और लूज की जगह अगर आप गेन कर दो ठीक, तो ध्यान से चेक करो क्या इलेक्ट्रोनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नहीं ऐसा आप देखो कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको छोड़ो बेवजह, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन चेक करो ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब ये बात देखो, अगर आपको अच्छी नहीं समझ में आ रही हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ग्रुप नंबर 17 है जो कि आपका नॉन मेटल है, करेक्ट, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है ठीक है। तो नॉन मेटल में बात अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि नॉन मेटल तो वैसे ही गेन नहीं करते इलेक्ट्रॉन, पर फिर भी ये क्लास में हमने आपको बताया है, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास करो, सुनो
हमें पता है कि सभी के सभी नॉन मेटल हैं, सभी के सभी नॉन मेटल हैं, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। लेकिन गेन में भी सबसे अच्छा गेन कौन करेगा, सुन लो, सबसे अच्छा गेन करेगा कौन, फ्लोरीन। और सबसे खराब तरीके से कौन गेन करेगा, आयोडीन। तो जो सबसे खराब तरीके से गेन करेगा, इसका मतलब वो क्या कर सकता है, वो बहुत ही इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बहुत ही इजीली क्या कर सकता है, आयोडीन, जब लूज करने की बात आएगी। सोचो अगर हम बोले, मान लो भाई किसी भी तरीके से सब इन चारों एटम को हमें एनर्जी देनी है, दे के इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, मान लो इससे हम चारों एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो सोचो सबसे अच्छे तरीके से कौन निकालेगा, आयोडीन निकालेगा कि नहीं। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, करेक्ट। और इन्होंने क्या बोल दिया, डाउन द ग्रुप डिक्रीज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक के लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इस वजह से, ठीक है ना, यहीं से फेल हो गया, करेक्ट। और उस और एक बात और बता दूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को किससे कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है सी, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ भाई ये बात तो सही है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये देखिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। हाँ यहाँ तक भी इनकी बात सही है कि भाई टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये तो बात सही है। अब आगे क्या लिखा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सुन लो, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। हाँ भाई सही तो बोल रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है। हाँ भाई सही तो बोल रहा है, ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं गेन करेगा, बल्कि कौन गेन करेगा, ऊपर वाला अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि ऊपर वाले का साइज क्या है, छोटा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और तीसरी बात, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती। तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। उसके बाद डी देखते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सुन लो, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, ध्यान से चेक करो। देखो ये न्यूक्लियस है और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस है और यहाँ कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से फ्लोरीन में न्यूक्लियस होगा और यहाँ बाहर कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मुझे ये बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में रहता है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो जवाब है जहाँ पे साइज सबसे छोटा होगा, चेक करो। तो फ्लोरीन में साइज सबसे छोटा है, इसलिए फ्लोरीन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, दूर है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर है किससे, न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऊपर से नीचे जाने पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में रहते हैं, ओके, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। और इन्होंने आपसे क्या बोला है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है, इन्होंने बोला बल्कि डिक्रीज करता है। तो ये वाला डी वाला भी आपका चला गया, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाई दैट फ्लोरीन 72 पिकोमीटर, सुन लो 72 पिकोमीटर क्या है, एटॉमिक साइज है, पिकोमीटर मतलब 72 पिको मतलब 72 इंटू 10 द पावर माइनस, पिको मतलब होता है 10 द पावर माइनस 12, और मीटर पिको की जगह 10 द पावर माइनस 12 लगाना है, यहाँ पिकोमीटर लगा था, पिको की जगह 10 द पावर माइनस 12 और मीटर। और स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम 152 पिकोमीटर, यानी कि 152 इंटू 10 द पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, यहाँ पर 10 द पावर माइनस 12 यहाँ पे भी है और 10 द पावर माइनस 12 यहाँ पे भी है, तो दोनों में 10 द पावर माइनस 12 कॉमन है, उसको छुपा लो। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, फ्लोरीन में 72 आ रहा है और लिथियम में कितना आ रहा है 152, तो कौन बड़ा, 152 बड़ा है किससे, फ्लोरीन से, करेक्ट। तो इसका मतलब आपका जो लिथियम है आपका वो बड़ा है किससे, फ्लोरीन से। तो यही बात इन्होंने आपसे बड़ी है बोली हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाइड दैट फ्लोरीन हैज द स्मॉलर
एटॉमिक रेडियस देन लिथियम, कि फ्लोरीन लिथियम से क्या है छोटा या लिथियम फ्लोरीन से बड़ा है। अब इसका बच्चों रीजन आइए हम लोग देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। हमको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर हम लिथियम और फ्लोरीन का पीरियड नंबर पूछें, सुन लो, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आपका साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो लिथियम का बच्चों पीरियड नंबर, पीरियड नंबर हमने निकलवाना आपको सिखाया हुआ था, याद करिए। पीरियड नंबर के लिए हम लोग क्या करते थे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो 2.1 और फ्लोरीन का करो तो 2.7। अब ध्यान से चेक करिए, लिथियम में कितने शेल आ रहे हैं, 2 शेल्स, के शेल एल शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 7। तो यहां पर बच्चों कितनी शेल्स हैं, लिथियम में कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स, और फ्लोरीन में भी कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स। और नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स किसको बताते हैं, पीरियड को, सुन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स किसको बताते हैं, पीरियड को, यानी कि आपके पीरियड नंबर 2 में आएंगे ये दोनों एलिमेंट बच्चों, पीरियड नंबर 2 में, पीरियोडिक टेबल उठा के देख लीजिए, लिथियम और फ्लोरीन पीरियड नंबर 2 में आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, यहाँ पे के शेल एल शेल 2 शेल्स हैं, यहाँ पे भी के शेल एल शेल 2 शेल्स हैं, इसलिए दोनों के पीरियड नंबर 2 होंगे। तो पीरियड नंबर 2 में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा और लिथियम आपका बड़ा होगा। अब इसका रीजन क्या है, सोचो जरा, सोचो, इसका रीजन ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर, रीजन कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें देखते हैं आप कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आइए जरा देखते हैं, सुनो। एक तो आपने देखा कि दोनों सेम पीरियड में और लेफ्ट से राइट जाने पर आपका जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, नहीं फ्लोरीन का साइज छोटा होगा किससे, लिथियम से, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्लोरीन एंड लिथियम आर द इन द सेम ग्रुप, नो, गलत हो गया। फ्लोरीन और लिथियम और फ्लोरीन तो सेम ग्रुप में थोड़ी ना होता, ग्रुप तो ऐसे वर्टिकल होते हैं, खड़े खड़े वाले, सेम ग्रुप में कहाँ, ये तो सेम पीरियड में, आगे पढ़ूंगा नहीं, यहीं पर गलत हो गया। आगे देखो, बी कह रहा है कि फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, हाँ भाई यहाँ तक तो बात सही है कि फ्लोरीन और लिथियम आर इन द सेम पीरियड, ये दोनों ही सेम पीरियड में, यानी कि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। कह रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, नो, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते भैया, लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। इन्होंने आपसे बहुत गड़बड़ बात कर दी, कह रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है, ये भी बात इनकी गलत है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट, ये भी बात गलत है। बल्कि हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आपका एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, ठीक है। अब ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, सी कह रहा है कि फ्लोरीन, तो ये भी आपका चला गया, ठीक है, ये भी आपका चला गया। नेक्स्ट है, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, फिर से गलत हो गया, क्योंकि फ्लोरीन और लिथियम सेम ग्रुप में नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया आपका, ये सेम पीरियड में होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी ही ऑब्वियसली करेक्ट होगा, पढ़ते हैं इसको। कह रहा फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, हाँ यहाँ तक तो बात सही है। कह रहा अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे जब पीरियड में, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लेंदी हो गया, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पता है यहाँ पे जब हम डिटेल में बता रहे हैं तो सभी संभावित क्वेश्चन एग्जाम के आपके इसमें कवर हो जाते हैं, मतलब इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता अगर पेपर आ गया आपका, सोच लीजिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ से आपको मिलेंगे, मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने की आपको संभावना है अगर आप ठीक से वीडियो सारे देखते हैं। इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में करा रहा हूँ, कराने को तो मैं ऐसे भी करा दूँ भैया कि ये वाला ट्रू, ये वाला फॉल्स, ये वाला ट्रू, ऐसे नहीं, तो मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया ताकि एक बार अच्छी तरीके से, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, जाते थे पिन कमेंट चेक करना ना भूलें।